Bom bak bom bara 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 bom bak bom bara. Masti aur shararate kahi pe hai takraar, kahi pe sirf siyasate, kahi pe sachcha pyar. To sun mere yaar, tu dil ki pukar, sun mere yaar, tu dil ki pukar. Bubbly bubbly, कुछ भी नया नहीं है इस ड्रामे में तो। ये सब कैसे होगा? पता नहीं क्या हो गया मैडम को, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है। ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है। मिस हानिया, आप मेरे रूम में आए, हम लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। आप हानिया बिनत अशफाक को यहाँ बैठकर तगाजी पे रिपोर्ट बनाने देना। आपसे बात हुई? नहीं नहीं हुई आपसे बात? देखिए, इट्स टीम वर्क, ओके? आप और पारस यहाँ बैठ के काम करें, मैं और मिस हानिया मेरे रूम में काम करेंगे। टैग टीम, यू नो, टैग टीम, टैग टैग। सर प्लीज हमें काम करने दे। आपकी तो ये मक्खन पॉलिसी की वजह से आपको तो मैडम ने कुछ कहना नहीं, लेकिन मेरी जॉब जरूर चली जाएगी। मैंने तो भी बैंक लोन भी उतारना है। मिस पारस, वो आपका मसला है, आप मेरे मामले में टांग मत अड़ाइए, ओके? मिस हानी, आप आ रही? नहीं सर, वो आपको तो पता है ना सर, तुर्की वालों ने ड्रामा 3-4 साल में बनाया होगा, है सर? और मैडम को तो 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, है सर? तो सर, मैं मीरा को भेज देती हूँ ना, आप उसके साथ मिल के बनाइएगा रिपोर्ट। थैंक यू मैनूस, अगर बॉस नहीं होता ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। हानिया, तो मेरी मानो तो किसी दिन इन्हें भाई बोल ही दो। हाँ भाई। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? वैसे इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कोई इरादा विरादा नहीं मेरा, और तुम अपने काम से काम रखो, अपने मशवरे अपने पास रखो यार। अब भाई थोड़ी ना ऑफिस के कामों में हेल्प करते हैं। और वैसे भी बॉस को कभी भाई नहीं कहते, ऑफिस के मर्द कम से कम बहनों के कभी काम नहीं आते। बात तो ये भी ठीक है। बंद करो तुम लोग अपना लेक्चर। अर्तुरुल गाजी, 2 घंटे में रिपोर्ट। बम 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 बम। दो कली दो खेज है, सीने की धड़कन तेज है। दो कली दो खेज है, सीने की धड़कन तेज है। अरे जॉनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेकअप रूम में? वो किचन में गर्मी बहुत थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये मेकअप रूम है, रेस्ट रूम नहीं। और हाँ, वैसे भी मुझे अर्तुगरुल गाजी के गेटअप्स पे इतना सारा काम करना है। हैं? क्या हम अर्तुगरुल गाजी बना सकते? पता नहीं। मुझे पता है, तू बताओ। लेकिन बताऊंगा नहीं। बताऊंगा नहीं, दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? अरे पागल है, दफा करूं। And for the best drama of the year award goes to Bubbly TV.
मैडम तीना मजीदी। थैंक यू एवरीवन। इन फैक्ट आई एम टायर्ड ऑफ रिसीविंग अवार्ड्स। वेल हियर्स अनदर वन, बट स्टिल आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय इंस्पिरेशन, माय ब्रेन स्टिम्युलेटर, माय मैडम। तुम मैडम कॉफी लेकर आ। हमेशा गलत टाइम पे आते हो। कॉफी मंगाई मैंने। मैडम अवार्ड बबली टीवी को ही मिलेगा अगर हम अर्तगल जैसा ड्रामा बना लें तब। अगर और अगर ना बन सका तो? अंधों में काना राजा वाला हिसाब होगा मैडम। वही सास बहू के टॉपिक पर किसी न किसी ड्रामे को तो मिल ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ टीम क्या काम कर रही है अर्तुगरुल जैसे ड्रामे? जी अपनी औकात के मुताबिक सब लगे हुए हैं। नजर रखो उन पर। मैडम मैं तो हमेशा ही नजर रखता हूँ और आपको रिपोर्ट्स भी देता हूँ, लेकिन आपने दो हफ्तों से ना टिप नहीं दी है। वो क्या है, बच्चे की फीस देनी है। तो तुम ना हमेशा मांगते रहते हो। ना 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 मैडम, ये एड नहीं है, ट्रेड है। चाय पिलाने की तनख्वाह लेता हूँ और जासूसी और रिपोर्ट्स देने की टिप। थैंक यू मैडम। Come in. सर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊं? बिजी वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी नौकरी जाने का डर, जैसे कि मिस हानिया बिनते शाक। तुम इसका मतलब है आप नाराज हैं मुझसे? कह सकते हैं। वैसे बाहर तुम सबके सामने कह रही थी कि मुझे काम करना है, अब क्यों आई? समझने की कोशिश करें ना, ये जालिम समाज एक बेचारी लड़की को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं देता। से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं सबके सामने चुप ही रहती हूँ। प्लीज प्लीज ये अपने ड्रामे वाले डायलॉग मेरे सामने मत बोला करो प्लीज। अरे ये डायलॉग नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है सर। तीन बार कहा है कि जब हम ऑफिस में अकेले हों तो मुझे सर मत कहा करो। तो फिर क्या कहा करूं सर? दिल बर। सर एक्चुअली ना मुझे बहुत लालच आती है ये कहते हुए। नाम है दिलबर, इट्स माय नेम। वो तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले मैं आपको ऐसे दिलबर नहीं कह सकती ना। हाँ और शादी तो तुम होने नहीं दे रही हो। मेरी शर्त वही है, मैं आपकी पहली बेगम के होते हुए आपसे शादी नहीं करूंगी। फिर वही डायलॉग। सर मैं एक औरत हूं कि किसी औरत के हक पे डाका नहीं डालना चाहती। अरे तो ये डाका तो ना हुआ ना। मुझे नहीं पता, आप मेरे इस वक्त आने की वजह नहीं पूछेंगे? बताओ। आपके तो दूसरे चैनल्स में इतने लिंक हैं, किसी से अर्तुगरुल गाजी की फिजिबिलिटी मालूम करके बता दें प्लीज। मैडम से बहुत डर लगता है प्लीज। जब तक इस चैनल में मैं सीओओ की चेयर पे हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ओके ट्रस्ट मी, आई विल बी बैक। मैं कैसे ट्रस्ट करूं? अरे जब आर्नल्ड ने 25 फिल्मों में ये बोला है और उसको लड़की ने ट्रस्ट किया तो तुम मुझे कैसे ट्रस्ट नहीं कर सकती यार? जाओ मैं एक बात करता हूँ तुमसे। अच्छा नाराज तो ना हो ना प्लीज। फिजिबिलिटी बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना। इट्स ओके। ये मैं चाह रही हूँ क्लास लड़कियां, शादी का काम दिखा दो, बिना डोर गई तुमसे बन जाती हैं।
मैं क्यों ड्रामा वाले डायलॉग बोल रहा हूँ? सुबह का असर हो गया लगता है। हेलो हेलो, तो व्हाट्सएप कॉल ना। हेलो, हाँ मुझे घोड़े चाहिए, हॉर्सेस हॉर्सेस या शूट के लिए चाहिए। कितने? आप यही कोई 400 क्या? यार मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ। ढक्कन है साले, मतलब ऐसे कैसे घोड़े नहीं मिल सकते? और ऊपर से मुझसे कह रहे हैं कि आप 100 घोड़े और 300 गधों से काम चला रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ गधे घोड़ों से ज्यादा है क्या? गधा दिमाग, यहाँ दिमाग घूम रहे यहाँ गधा घोड़ा। ये फौजें कहाँ से आ रही हैं? हेलो, फौज कहाँ से आ रही है? कौन सी फौज? अबे यार, ये अर्तुरुल का सोच सोच के मेरे दिमाग में सिर्फ जंगे, फौजें, घोड़े, बस यही चल रहा है। हाँ ये तो है। वैसे ऐसे बात टाल के तुम मेरा सवाल मत गोल करो। मैं तो कुछ नहीं टाल रही। अच्छा तो कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें नहीं पता कितना काम करना है हमें? मैं जरा किचन तक गई थी। अच्छा, लेकिन हमारा किचन तो इस तरफ है ना? वो मैंने सोचा पहले थोड़ी वॉक कर लूं, तो मैं उधर से घूम कर आ गई। मुझे लगता है तुम मुझे घुमा रही हो। कभी कभी तुम्हारी हरकतें मुझे मशकूक लगती हैं। यही शक होता है जो इंसान को जहनी मरीज बना देता है। तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ पागल, तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, ये डायलॉग है। यही वो शक, शक। तुम्हारा मैसेज पहुंच गया है मुझ तक, अब अर्तुरुल पे काम कर ले। फिक्र नहीं करो यार, सब हो जाएगा। कैसे? ट्रस्ट में, I'll be back। सब पागल हो गए, सब पागल, काम करो। हाय जॉनी, बना भी दो चाय। पारस जी, मैं चाय इसलिए तवज्जो से बना रहा हूँ कि हो सकता है बबली टीवी में ये आपकी आखिरी चाय हो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि मैं अभी मैडम के कमरे से आ रहा हूँ, वो अर्तुगरुल ड्रामे को लेकर बहुत एक्साइटेड है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों के बस की बात। अब कोशिश तो कर रहे हैं ना हम। अरे पारस जी, अपने हिस्से का काम करके नौकरी बचा लें, बाकी सब जाएं भाड़ में। नौकरी आपकी जरूरत भी तो है। कोई मजबूरी नहीं है मेरी, शौकिया करती हूँ मैं। अगर शौकिया करती हैं तो छोड़ दें, किसी जरूरतमंद को जगह मिल जाएगी, वो बेचारा अपनी फैमिली का कुछ कर लेगा। अब ऐसा भी नहीं है, मेरी भी तो फैमिली है ना, मुझे भी तो उनके लिए काम करना है। बस क्या क्या कहा है तुमने? कुछ नहीं, बस फिजिबिलिटी कंप्लीट कर ले। बस एक बात बताओ जॉनी, तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? अरे मैं भी आपकी तरह बीवी बच्चों वाला हूँ ना। हाँ हाँ, आप नहीं है, आप तो शौहर बच्चों वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी नौकरी जाए। तुम्हें क्या लगता है मैडम मुझे वाकई नौकरी से निकाल देंगी? शायद, लेकिन आप वही फार्मूला अप्लाई करें ना। कौन सा? अरे लुक बिजी डू नथिंग, आप बस जाकर अपने हिस्से के पेपर काले कर दें। मीटिंग में जहां सबकी क्लास हो रही होगी ना, आपके पेपर तो भरे हुए होंगे, भले नतीजा निकले या ना निकले। अरे वाह जॉनी, क्या आइडिया दिया तुमने, थैंक यू सो मच। अरे पारस जी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा ना, मैं जाती हूँ। अरे चाय मैं भी तो पी लूं इसी खुशी में। यार ये तुम लोगों ने अर्तुरुल काजी चला के ना हमारी जिंदगी मुसीबत में डाल दी। क्यों भाई, हमने क्या कर दिया? कुछ नहीं यार, हमारी मैडम दिन में ख्वाब देख लेती हैं और फिर हमें बोलती हैं उनकी तामील करो। कैसा ख्वाब? कहती हैं बबली टीवी भी
अर्जुन गाजी बनाएगा। Is it possible? यार ये तो वाकई इम्पॉसिबल है। Exactly, that's what I'm saying. अच्छा सुन, एक काम है यार छोटा सा। हाँ बोलो। वो ये जो ड्रामा है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और बाकी डिटेल्स वो मिल सकती हैं? अब तुम लोगों ने तो ऑन एयर किया है ना यार, अब देख ले, बस समझ ले आधी टीम की नौकरी तेरे हाथ में। यार वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? ऑब्वियसली टर्की वालों के पास होगी, हमने तो सिर्फ डबिंग करवा के चलाया। तो फिर डिटेल कहाँ से मिलेगी? मुश्किल है यार। भाई यार मुश्किल तो हमारे लिए बनी हुई है। चल करते हैं फिर बात। बाय। ओके। अब आनिया को क्या जवाब दूं यार, वादा कर लिया था उससे। खैर पहले कौन सा कोई वादा पूरा किया जो ये वाला होना लाजिम है। फोन कब से शोर मचा रहा है, और इस कॉल को अटेंड करने के बाद ना इस फोन की रिंगटोन चेंज कर देना, इतनी बुरी रिंगटोन लगाई दी है। हेलो, क्यों फोन किया है? हेलो हेलो, कौन? हानिया मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बोले, सुन रही हूँ। तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? अरे फोन किस लिए किया है, ये ऑफिस है और मैं बहुत मसरूफ हूँ। आप कौन है? You know what? तुम्हारी इसी चीज का फैन हूं। ऊंचा बोले थोड़ा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बड़ी ड्रामे बाज़ है तू। अच्छा वो एक मसला हो गया छोटा सा यार, वो अतुल गाजी की डिटेल्स नहीं मिली हैं, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे पहले ही पता था तुमसे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बातें ही बातें करने आती हैं। एहतियात सेठी, ठीक हो जा तू, ठीक हो जा। क्या हुआ है, किसका फोन था? वो घर पे एसी लगा हुआ है ना, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आया था ठीक करने के लिए, कह रहा है कि ठीक ही नहीं हो सकता, नकारा निकम्मा नालायक बेकार इलेक्ट्रिशियन है। हाँ होते तो ये सब ऐसे ही है निकम्मे। अरे गोली मारो इलेक्ट्रिशियन को, सिर्फ 15 मिनट रहते हैं, अगर हमने रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं की ना तो गई हमारी नौकरी। Bubbly, bubbly.